हमारे साथ ही यमन, एक स्मॉल टाउन में पले बड़े, जहाँ नई राज कॉमिक्स छपने के 3 महीने बाद आती थी, हॉलीवुड फिल्म रिलीज के 6 महीनों बाद देखने को नसीब होती, वो भी हॉल प्रिंट। उस जमाने में उनका एक दोस्त था जो अक्सर तोते की तरह एक गाना गाता, जीजा को मैं बोलू साला चाबी बिना खोलू ताला मेरी मर्जी। 90s किंग गोविंदा पर फिल्माए गए इस गाने को आवाज दी थी देवांग पटेल ने। खैर, यमन के दोस्त ने देवांग के इस गाने को गाया ही नहीं बल्कि जिया भी, मतलब लिटरली। आगे चलकर उन्होंने चाबी बिना खोलू ताला टाइप हरकत की और आज जेल में है। कैसे दोस्त है तुम्हारे। काश वो देवांग का एक और गाना सुन लेते, ऐश तुकर यार ऐश तुकर, वो वाला पार्ट नहीं जहां देवांग कहते हैं कि पड़ोसी की खिड़की पर खड़ा होके नाच या बॉस को बुला के बोल चाय लेके आ, बल्कि वो पार्ट जहां वो कहते हैं कि ये सब बातों को देखो ना मानना, मेरी तो ये आदत है मजाक करना। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग, जहां हम ये नहीं जानेंगे कि यमन के भूले बिसरे दोस्त आजकल कहां हैं, बल्कि बात करेंगे देवांग पटेल की। हनी सिंह बादशाह से पहले मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में रैप करने वाले देवांग पटेल, जानेंगे कि मेरी मर्जी और स्टॉप दैट जैसे गाने गाकर बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ने वाले देवांग को बॉलीवुड एक्साइट क्यों नहीं करता। बताएंगे आपको कि देवांग आजकल कहां हैं और क्या कमाल कर रहे हैं। अहमदाबाद के पास स्थित गामरी गांव में पले बड़े देवांग ने कभी म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। मुकेश के गाने सुनना पसंद था, बस वहीं से संगीत का चस्का लग गया। देवांग अपनी लाइफ के सारे काम मजे के लिए करते, कभी किसी चीज को इतना सीरियस नहीं बनाते कि खुद ही के लिए सरदर्द बन जाए। यही चीज उनके गानों में भी झलकती है। वो खुद को म्यूजिक इंडस्ट्री का कार्टूनिस्ट मानते हैं, ऐसा कार्टूनिस्ट जो बस लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, उन्हें एंटरटेन करना चाहता है। देवांग की लोगों को एंटरटेन करने की आदत बहुत पुरानी है, दरअसल स्कूल के जमाने की। वो अहमदाबाद के न्यू हाई स्कूल में पढ़ा करते, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, इसीलिए अपना टाइम और एनर्जी दूसरी ओर मोड़ दिया, ड्रामा और सिंगिंग की ओर। स्कूल के नाटकों में देवांग की कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि हर कल्चरल फंक्शन शुरू होने से पहले बच्चे उनके नाटक का इंतजार करते। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ अपने सेक्शन या क्लास तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पूरा स्कूल उन्हें पहचानने लगा। एक्टिंग सिंगिंग चलता रहा लेकिन सिर्फ सेकेंडरी तौर पर। घर वालों के अनुसार तो प्राइमरी प्राथमिकता अब भी पढ़ाई को ही थी कि पढ़ाई पूरी करो और अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। घर वालों के बताए इसी तय रास्ते पर चलते हुए देवांग ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। अगर आप सोचते हैं कि कॉलेज के दिनों में प्रैक्टिकल दुनिया से परिचित होने पर देवांग अपने बचपन का प्यार भूल गए तो आप गलत हैं, क्योंकि कॉलेज में भी एक्टिंग और सिंगिंग चालू रही, वो भी फुल टशन में। कॉलेज खत्म होने को आया और एक धर्म संकट देवांग का पीछा छोड़ने का नाम ही ना ले। गाने में उन्हें मजा आता था, सिंपल सी बात थी, और वो जिंदगी मजे में ही जीना चाहते थे, ऐसा काम करके जो वाकई उन्हें पसंद हो। समझ चुके थे कि नौकरी में ये मजा बिल्कुल नहीं मिलने वाला, इसीलिए घर वालों से बात की कि मुझे तो सिंगर बनना है, अपना एल्बम रिलीज करना है। देवांग का घर एक टिपिकल मिडिल क्लास घर था जहाँ सिंगिंग डांसिंग जैसी चीजें बतौर हॉबी तक ही अच्छी लगती थी, या किसी मेहमान के आगे प्रदर्शनी दिखाने के लिए कि शाबाश बेटा अंकल को गाना गाकर सुनाओ। देवांग की घोषणा सुनते ही माहौल बिगड़ सा गया। पिता को अब तक गर्व था अपने बेटे के मुकेश का फैन होने पर, लेकिन नॉट एनी मोर। बेटे की बात सुनते ही सारा गर्व चकना चूर हो गया था। अब घर वालों ने तर्क दिए कि कैसे म्यूजिक में करियर नहीं बना पाओगे, 100 आते हैं 100 जाते हैं जैसी बातें कहीं, लेकिन देवांग भी जिद पर अड़े थे, घर वालों की एक ना सुनी। कुछ और रास्ता ना निकलता देख वही किया जो अब तक सिनेमाई हीरो दर्जनों बार कर चुका है, घर छोड़कर निकल गए, माया नगरी आ गए। बॉम्बे में स्ट्रगल करने लगे, कमाई हो नहीं रही थी इसीलिए जो थोड़े बहुत पैसे लेकर घर से चले थे उन्हीं में गुजारा करना पड़ा। कि 90s था, महंगाई भले ही आज जितनी ना हो लेकिन पेड़ पर पैसे लगने वाला हिसाब भी नहीं था। ऐसे हालात में देवांग अपने दिन 10 रुपए में निकालते, लेकिन उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि बॉम्बे आने के कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि उनके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है। न्यूज़ सुनते ही फौरन अहमदाबाद की ओर दौड़ पड़े और फिर से अपने परिवार के साथ ही रहने लगे। साल था 1993, देवांग अपने घर लौट चुके थे लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी के पास नहीं, खुद का एल्बम बनाने का कीड़ा अब भी उनके अंदर कुलबुला रहा था। स्कूल के दिनों से ही देवांग कॉमेडी
प्लेज करते आ रहे थे, अब वही कॉमेडी का फ्लेवर वो अपने म्यूजिक में भी लाना चाहते थे। ऐसा कुछ अब तक ट्राई नहीं किया गया हो। प्रसाद गौरव और विनय दवे उनके पुराने दोस्त थे। दोनों को घर बुलाया, अपना आइडिया बताया, दोनों मान गए। विनय ने एल्बम के लिए लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया, वहीं प्रसाद ने म्यूजिक प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी ली। तीनों ने मिलकर पहला गाना तैयार किया जिसका टाइटल था माधुरी मिली रस्ते में। उनके पास बड़े स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करने का पैसा तो था नहीं, इसलिए दिवांग ने गाना अपने घर पर ही रिकॉर्ड कर लिया। अब बारी थी उसे सही लोगों तक ले जाने की। उनके पास कोई बड़ी मार्केटिंग टीम तो नहीं थी जो उनके गाने को बड़े स्टूडियोज तक ले जा सके, इसलिए ये काम उन्होंने खुद किया, लेकिन हर जगह से लौटा दिए गए। दिवांग अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जहां भी अपना गाना लेकर गए सब ने उन्हें भगा दिया। उस समय की गुजराती म्यूजिक इंडस्ट्री रैप जैसे कॉन्सेप्ट से तो मीलों दूर थी। वो दौर था भजन का, डांडिया पर बने गानों का। कोई फिरंगी से लगने वाले गाने पर अपना लेबल लगाने को राजी नहीं हुआ। अंत में दिवांग एंड कंपनी ने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर खोज ही निकाला। वो बस कुछ भी करके अपना गाना रिलीज करना चाहते थे, इसलिए प्रोड्यूसर से एक रुपया भी नहीं लिया। गाना रिलीज हुआ ऐसा कि क्रांति मचा दी, सबकी जुबान पर चढ़ गया। देखते ही देखते गाने की कैसेट की 4 लाख कॉपीज मार्केट से उठ गई। दिवांग पटेल का पहला एल्बम दिल दिल दी बात बड़ा हिट साबित हुआ, जिसने उनके लिए बॉम्बे के दरवाजे खोल दिए। बॉम्बे आकर दिवांग ने टाइम्स म्यूजिक को अप्रोच किया, लेबल उनके एल्बम को हिंदी में बनाने के लिए तैयार हो गया। दिल दिल निवाद का ट्रैफिक जाम हो गया जिसे 1994 में रिलीज किया गया। हिंदी ऑडियंस से भी दिवांग के एल्बम को बम्पर रिस्पॉन्स मिला। दिवांग की आवाज हर घर तक पहुंच रही थी लेकिन बिना किसी चेहरे के। उन्हें ऐसे चेहरे की तलाश थी जिस पर उनके गाने के बोल म्यूजिक एकदम सटीक तरीके से बैठ सके। जैसे मुकेश और राज कपूर की जोड़ी थी ना, वैसे वो चेहरा उन्हें मिला गोविंदा के रूप में। कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा के मूव्स ही दिवांग के गानों के साथ जस्टिस कर सकते थे। दरअसल टाइम्स ग्रुप उस समय अपनी आने वाली फिल्म गैम्बलर पर काम कर रहा था। वो दिवांग की पॉपुलैरिटी को भी बनाना चाहते थे, इसीलिए फैसला लिया दिवांग का गाना अपनी फिल्म गैम्बलर में यूज करने का। उनके डेब्यू एल्बम से माधुरी दीक्षित मिली रस्ते में को सिलेक्ट किया गया स्टॉप दैट के टाइटल से। फिल्म 1994 में रिलीज होनी थी लेकिन किसी कारणवश अटक गई। हालांकि उसके गाने मार्केट में आ चुके थे। यहाँ एक पॉइंट का जिक्र करना जरूरी है, 1994 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 लव स्टोरी ये रिलीज हुई थी। फिल्म ने मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा को सिखाया कि अपनी फिल्म के म्यूजिक को मार्केट कैसे किया जाता है। यही वजह है कि रिलीज से पहले ही फिल्म के गानों को लेकर तगड़ा बज बन गया था। गैम्बलर अटक गई थी, मेकर्स फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गाने ही कर दिए। दिवांग का बुखार ऐसा चढ़ा कि सबको माधुरी दीक्षित रस्ते में मिलने लगी और चने खाने लगे, वो भी सस्ते में। ट्रैफिक जाम के बाद आया दिवांग का दूसरा एल्बम मेरी मर्जी के नाम से, जिसे भी टाइम्स म्यूजिक ने ही रिलीज करने की जिम्मेदारी ली। म्यूजिक लेबल ने दिवांग के इस एल्बम से भी एक गाना चुन लिया और उसे गैम्बलर में रिलीज किया। वो गाना था मेरी मर्जी। फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी कि लोग मेरी मर्जी और स्टॉप दैट के बोल के रट्टे लगा रहे थे। हालांकि फिल्म में मेरी मर्जी को डालने के फैसले पर एक और बात पढ़ने को मिलती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गैम्बलर को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे। दिवांग का गाना स्टॉप दैट पॉपुलर हो चुका था, इसलिए म्यूजिक लेबल ने उनका एक और गाना फिल्म में ऐड करने की सोची। आज भी 1995 में रिलीज हुई गैम्बलर को याद करने पर सबसे पहले दिवांग के दो गाने ही याद आते हैं। दिवांग के गाने अभी भी स्ट्रेस बस्टर वाला काम करते हैं, सुनने पर ही इंसान चिल हो जाए। इसके बाद दिवांग ने शाहरुख को भी अपनी आवाज़ दी उनकी फिल्म चाहत में। फिल्म में उन्होंने सुदेश भोसले के साथ मिलकर दाढ़ी कूल नाम का गाना गाया। सवाल उठता है कि इतनी फेम हासिल करने के बाद भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिवांग के और गाने क्यों नहीं मिलते? जवाब है, बॉलीवुड उन्हें बोर करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके पीछे भागे, तो बस अपने तरीके से गाने बनाते रहना चाहते थे। बेशक गैम्बलर में गाए दिवांग के दोनों गाने हिट रहे, लेकिन उन्हें इससे एक शिकायत रही। फिल्म रिलीज होने के बाद ये गाने दिवांग के नहीं थे, ये गोविंदा के गाने बन चुके थे। आवाज को चेहरा देने का प्रयोग थोड़ा सा महंगा साबित हो गया। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में, पुराने इंटरव्यू में दिवांग ने बताया कि लोगों को मतलब नहीं था कि ये गाने किसने गाए, सब उन्हें गोविंदा का गाना समझ रहे थे। अब जो थोड़े बहुत लोग सिंगर के बारे में जानना भी चाहते थे, वो भी गाने का क्रेडिट बाली ब्रह्म भट्ट को ही दे रहे थे।
फिर ऐसी बातों से आहत दिवांग खुद को कैमरे के सामने लाना चाहते थे, नया एल्बम रिलीज करना चाहते थे, खुद उसके गानों में फीचर भी होना चाहते थे। 90s का लिबरलाइजेशन विदेशी कंपनियों को इंडिया में लाया, दिवांग अब यही विदेशी गानों के साथ करना चाहते थे। टाइम्स म्यूजिक के साथ मिलकर एल्बम रिलीज किया पटेल स्कोप के नाम से। आपको वेंगा बॉयज याद है? शायद नहीं होंगे, लेकिन उनका एक गाना जरूर याद होगा, टू ब्राजील, जिसके ब्राजील शब्द को पकड़कर हम हर फंक्शन में नाचे। इस बैंड का एक और पॉपुलर गाना था, वी लाइक टू पार्टी। दिवांग ने अपने एल्बम में इस गाने का भारतीयकरण कर दिया पापा के पापा नाम से। दिवांग सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, वेंगा बॉयज और रिकी मार्टिन जैसे आर्टिस्ट के और भी गानों की पैरोडी बनाकर अपने एल्बम में रिलीज कर दी। साल 2000 में रिलीज हुए पटेल स्कोप को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। अब बारी थी दूसरा पार्ट लाने की, जो आया 2001 में पटेल स्कोप सेकंड के टाइटल से। पहले वाले की तरह सेकंड एल्बम भी मशहूर गानों की पैरोडी का कलेक्शन ही था, जहां हु लेट द डॉग्स आउट का कुत्ता काटा हो गया, माइकल जैक्सन का दे डोंट केयर अबाउट अस अब 10 बन गया। लेकिन इस बार दिवांग सिर्फ विदेशी गानों तक ही नहीं रुके, देसी गानों का भी नंबर लगाया। जसवीर जस्सी का दिल ले गई कुड़ी गुजरात की को सोच ले भाई बना दिया। शाहरुख की फिल्म दिल से में एक क्राउड प्लीजिंग गाना था छैया छैया, जिसे दिवांग ने उठाया और भैया भैया के नाम से रिलीज किया। दिल से मणिरत्नम की फिल्म थी, वो डायरेक्टर जिन्होंने बॉम्बे भी बनाई थी। दिवांग ने बॉम्बे के गाने हम्मा हम्मा की भी पैरोडी बना डाली चश्मा चश्मा के नाम से। पटेल स्कोप सेकंड में जोश, प्यार किया तो डरना क्या, गुलाम, ताल और कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों के गाने भी यूज किए गए। दिवांग की लाइफ का फंडा उनके ही एक गाने से बांधा जा सकता है, ऐश तू कर यार ऐश तू कर। वो बताते हैं कि प्रेशर में काम करना उन्हें पसंद नहीं, प्रेशर चाहे फेम का हो या एक और सुपरहिट एल्बम डिलीवर करने का। इसी वजह के चलते उन्होंने खुद को मेनस्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर कर लिया। अब देश विदेश घूमकर लाइव शोज करते हैं। भले ही दिवांग के गाने अब फिल्मों में नहीं सुनाई देते, लेकिन उन्होंने लोगों को एंटरटेन करना बिल्कुल बंद नहीं किया है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है दिवांग पटेल सिंगर के नाम से, वहाँ वो अपने नए गाने रिलीज करते रहते हैं, गुजराती हिंदी दोनों भाषाओं में। हमारे बचपन के एड संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे को अपनी आवाज देने वाले दिवांग का कॉमिकल सेंस आज भी वैसे ही बरकरार है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले बता दें कि आपके लिए पूरा एपिसोड लिखा हमारे साथी अमन ने। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।